अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम यंग होश और बात होंगे। तो आज आप लोगों के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो कि इंसान की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपनी शादी का जोड़ा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चूड़ियाँ दिखा रही हूँ। ये तीनों सेट मेरी शादी के बच्चे हुए हैं अब तक, और जो पहले मैंने मेहरून वाले दिखाए हैं ना, तो वो मेरे लहंगे के साथ का था। तो यहाँ पे हस्बैंड लेटे हुए मैंने उठाऊँगी और यहाँ पे दिखाऊँगी आप लोगों को अपने कपड़े। तो ये मेरे मतलब फर्स्ट है बारात का जो है वो लहंगा है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी भी आप लोग देखें कि 15 साल हो गए हैं, लेकिन इतना खूबसूरत है कि अब भी जब इंसान खोलते हैं तो बस दिल करता है अभी पहन लूँ। लेकिन एक रीज़न है ना कि मैं अब मोटी हो गई हूँ और ये बहुत मतलब पतला है। तब मैं बहुत स्मार्ट थी, मतलब बिल्कुल मैं फ़िट और स्मार्ट थी, बिल्कुल पतली सी थी। अभी आप लोगों को ना ये लेंगे का ना ब्लाउज़ देख के पता चल जाएगा कि मतलब मेरी फ़िटनेस उस वक्त कितनी थी। तो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये जैसे लहंगा खोला ना, तो अंदर ये चूड़ियाँ भी पड़ी हुई थी जो मैंने पहनी थी, तो बहुत ही खूबसूरत थी, जिनकी शाइन ना अब तक बिल्कुल कम नहीं हुई। और बिल्कुल मतलब जिस तरह कह लें कि आज ही ली हुई है, तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे इन्हें। तो मैं अपने साथ कराची ले आई हूँ कि मैं पहनूंगी, तो पता नहीं है मुझसे कैसे रहेगी, ऐसे मैं कुछ छोड़ती नहीं हूँ। तो और ये वाला जो था ये गाना था जो मैंने मेहंदी के टाइम भी जो है अपने बांधा था, और जो है बारात के टाइम भी मैंने अपने हाथ में बांधा था। बहुत ही खूबसूरत और चमचमाता सा था। और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये ब्लाउज़। तो ये देखें इतना खूबसूरत है और इतना छोटा सा। हस्बैंड बोल रहे थे कि आप मुस्कान के साइज़ का ऐसा करो, इसको मुस्कान को पहना दो। तो मतलब आप लोग देख लें कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं मतलब इतनी छोटी थी। एक तो मेरी एज भी 15 साल थी, मतलब एज भी इतनी नहीं थी। ज़ाहिर एज के इंसान हिसाब से ना इंसान की मतलब फ़िटनेस होती है, तो उस वक्त मेरी एज भी जो है 15 साल थी, बहुत कम थी। लेकिन मैं कमज़ोर भी थी, मतलब जिस तरह कुछ होता है मतलब लड़कियां एज कम भी होती है फिर मतलब मोटी होती है, इस तरह नहीं था। तो मैं बिल्कुल मतलब कह लें कि एक बिल्कुल स्मार्ट सी। और जब मेरी ना मतलब शादी की तस्वीरें या रियल में जिन लोगों ने देखना, मुझे से लोग बहुत ऐसे बिल्कुल इस तरह लग रहा है ना जैसे बारबी डॉल होती है। तो मतलब मैं बहुत ही हसीन लग रही थी, दुल्हन बने हुए अपने मुँह में या बिट्ठू बन रही हूँ, लेकिन रियल में ना हकीकत में भी खूबसूरत लग रही थी। मतलब जिस किसी ने देखा ना, तो हर कोई बोल रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे मतलब एक डॉल होती है। तो मैं बहुत ही मतलब फिट फाट थी। तो अपने मुँह ना मियाँ मिठू बनना कितना मज़ा आता है देखो। तो ये रहा मेरा लहंगा, और अभी आप लोगों को दिखाती हूँ इसका दुपट्टा, जो कि दुपट्टा भी बहुत ही खूबसूरत था। तो ये मैंने जो अपना मतलब बारात का लहंगा ये मैंने अपनी पसंद से लिया था। होता है मतलब ससुराल की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से है, लेकिन हम लोगों ने ना मैं लाहौर में थी तो मैंने खुद ये पसंद किया था, मतलब अपनी पसंद का मैंने लिया था। मुझे ये कलर हकीकत में बहुत ही अच्छा लगता है, मेरून कलर। तो मैंने ना ये अपनी पसंद से ख़रीदा था अपना जो बारात का लहंगा। तो मैं कहती हूँ ना, अगर हर किसी को ना अपने जो बारात का जोड़ा या शादी के जोड़े होते हैं ना, वो खुद सिलेक्ट करने का हक मतलब दिया करें। अगर आप लोग मतलब कुछ तो ऐसा होता है कि मतलब ससुराल वाले जो होते हैं ड्रेस वो खरीद लेते हैं, और जो माँ की तरफ से होते हैं घर के ना बड़े ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसमें ना जिसको पहनने होते उसकी मर्ज़ी बिल्कुल शामिल नहीं होती। लेकिन मेरा बिल्कुल इस तरह का नहीं था। मेरा ये था कि मेरी दोनों तरफ से जो शॉपिंग थी ना मेरी पसंद से थी, अम्मी के घर से भी और इन लॉज की तरफ से भी जो शॉपिंग की ना, वो हमने ना लाहौर से की थी, तो वो भी मेरी पसंद की थी, वो भी इन लोगों ने लाहौर से की थी। और ये लहंगा भी ना मेरी पसंद का था। और ये लहंगे के साथ का ये जो आप लोगों को सेट दिखा रही हूँ ना, ये लहंगे के साथ का सेट भी है। और ये मतलब फुल लुक है। मैंने इसके साथ की जो है चप्पल ढूंढने की मतलब सैंडल ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे मिली नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इन लॉस जाते रहते हैं, तो लगता है उन्होंने कहीं फेंक दी या कहीं डोनेट कर दी या पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने बहुत देखने की कोशिश की अलमारी में, लेकिन मुझे मिली नहीं। तो ये इसके साथ सेट है, उसके साथ जो है नथ और टिक्का और झूमर इस तरह का सब कुछ भी था। तो ये रही मेरी फाइनल लुक। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में लाजमी लिखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। अगली वीडियो होम टू वर्क आएगी। अल्लाह हाफिज़।